की बड़ी खबर आपको बता दें कि विधानसभा से इस वक्त की जो बड़ी खबर है, भजनलाल सरकार यूसीसी पर बिल लाएगी। विधायक कालीचरण सराफ ने के सवाल पर जवाब, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन में जवाब दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे, भजनलाल सरकार यूसीसी पर बिल लाएगी। विधायक कालीचरण के सवाल पर जवाब, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन के भीतर ये जवाब दिया है और सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है यूसीसी को लेकर। भजनलाल सरकार यूसीसी पर बिल लाएगी और सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, वाकई में बड़ी बात है, भजनलाल सरकार यूसीसी पर बिल लाएगी और ये तो सदन के भीतर अब सवाल के जवाब में बता भी दिया गया है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर ये इसलिए है कि इस सवाल की सभी को प्रतीक्षा थी जब कालीचरण सराफ ने सवाल पूछा सदन में, क्योंकि कालीचरण सराफ इस बार कुछ इसी तरीके के सवाल लेकर आ रहे हैं। इस बार का जो ये सवाल था, इस सवाल पूछा गया कि क्या उत्तराखंड की तर्ज पर यूसीसी लेकर आया जाएगा, तो इसे लेकर सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब दिया कि बिल्कुल राज्य सरकार बिल लेकर आएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी जब ड्राफ्ट तैयार होगा तो ड्राफ्ट में किन किन विषयों को लिया जाता है और क्या उत्तराखंड की हूबहू कॉपी होगी या कुछ उसमें जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अब इस पे विपक्ष किस तरीके से बोलता है, विपक्ष हालांकि इस पर टीकाराम जूली को बोलना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि बिल में क्या कुछ प्रावधान होंगे, लेकिन इस सवाल का बस इतने से उत्तर के बाद संतुष्ट नजर आया विपक्ष भी। लेकिन मुझे जो लगता है, विपक्ष भी अपने स्तर पर इसकी पूरी जानकारी जुटाएगा और विपक्ष देखते हैं कि इसका समर्थन मुझे नहीं लगता किसी भी कीमत पर विपक्ष करेगा, लेकिन विपक्ष किस आधार पर इसका विरोध करेगा, कौन कौन से ऐसे आधार बनेंगे जिस पर यह विरोध करेगा। बिल्कुल, विरोध विपक्ष की तरफ से किया जा सकता है इस मामले को लेकर। लेकिन ऐश्वर्य, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड में जब यूसीसी बिल लाने की बात सरकार की तरफ से कही गई थी, उसके बाद कमेटी का गठन भी हुआ था, ड्राफ्ट भी बनाया गया था और उसके बाद ही जब ड्राफ्ट तैयार हो गया था, इस तरीके से इस बिल को लागू भी कराया गया था। लेकिन जब यहाँ पर सवाल का जवाब मिल गया है कि भजनलाल सरकार यूसीसी बिल लाएगी, तो ये मानकर चले कि सरकार की पहले से तैयारी चल रही होगी इस बात को लेकर। देखिए, ये जो विषय है, ये भजनलाल सरकार से जुड़ा विषय तो है ही, साथ में केंद्र से जुड़ा विषय है। आला कमान से इस पूरे विषय को लेकर भजनलाल सरकार की खुद मुख्यमंत्री की बात हुई है। मुख्यमंत्री दिल्ली अक्सर जाते हैं, आला कमान से भी मुलाकात करते हैं, चाहे भले ही गृह मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री से संवाद हो और या फिर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व से बात हो, उनसे उनकी लगातार संवाद रहता है। तो इसकी तैयारी जो है ये तो कर ली गई होगी और ये भी तय मान कर चलिए कि ये बिल आएगा, उसके बाद कांग्रेस है इसका विरोध करेगी और कांग्रेस के वक्तव्य की प्रतीक्षा रहे कि कांग्रेस इसके जवाब में आज क्या कुछ कहती है। बिल्कुल, विपक्ष की प्रतिक्रिया इस पर हालांकि अभी बाकी है किस तरीके से विपक्ष की तरफ से इस पर रिएक्ट किया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर सरकार ने इसको लेकर तैयारी जरूर की होगी और आगे आने वाले समय में किस तरीके से इस पूरे मामले पर कार्य किया जाएगा। ऐश्वर्य, इसको लेकर और भी जानकारी दीजिएगा किस तरीके से सवाल का जवाब संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने दिया है, क्या कहा गया मंत्री की तरफ से, वो भी जरा जानना चाहेंगे। देखिए, सिर्फ और सिर्फ यही उत्तर दिया गया कि सरकार बिल लाने की तैयारी कर रही है, तो सवाल का उत्तर खत्म हो गया, क्योंकि कालीचरण सराफ ने जो सवाल पूछा था वो जो सवाल था उसमें साफ तौर पर पूछा गया कि क्या सरकार उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर प्रदेश की यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बिल लाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं, विवरण सदन की मेज पर रखे। तो इसके प्रति उत्तर में जोराराम पटेल ने जरा आपको ठीक है, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। जरा आपको सुना देते हैं किस तरीके से विधायक का सवाल था और मंत्री की तरफ से क्या जवाब दिया गया। जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा इस विषय में विचार किया जा रहा है, संपूर्ण पहलुओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जाएगा।